फ्रेंड्स, आई एम रुचि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मुंबई के फेमस सिद्धिविनायक टेंपल में बप्पा के दर्शन के लिए। और अगर आप भी सिद्धिविनायक टेंपल जाने का प्लान कर रहे हैं तो बस एक दो बातों का ध्यान रखें। अगर आप अपनी पर्सनल कार या कोई भी फोर व्हीलर से जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ना जाए, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है। पार्किंग के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। हाँ, अगर टू व्हीलर है, बाइक है, स्कूटी है तो आप ले जा सकते हैं। अदरवाइज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है। बिना अपॉइंटमेंट के आपको बप्पा के दर्शन करने नहीं मिलेंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। तो ये बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको सिद्धिविनायक ऐप सर्च करना है। तो यहाँ पे सिद्धिविनायक ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको जाके इसे इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है आपको उसे ओपन करना है और उसमें अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, बस उसे क्लिक करना है। आपको ऐप ओपन करना है और इसमें साइन अप का ऑप्शन आएगा, आपको साइन अप कर देना है। फिर यहाँ आपको फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे मैं अभी कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने ये फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब मैं इसे ओके कर दूंगी, साइन अप कर दूंगी। यहाँ से वेरिफिकेशन कोड मांगा जाएगा, आपको इसे वेरीफाई कर देना है। एक बार कोड वेरीफाई हो जाए तो ये ऐप खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। और यहाँ कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, उन्हें ओके करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट और मेंशन नंबर ऑफ पीपल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप एक बात और है कि दो से ज़्यादा लोगों के लिए एक बार में अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डेट जानी हो, जैसे मैंने 17 मार्च सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट करके ओके कर दूँगी। इस दिन के जितने भी स्लॉट खाली होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसमें से आप जो भी स्लॉट चाहे उसे बुक कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 to 5 PM का किया और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। और ये देखिए कंफर्म का ऑप्शन आ गया है, मैं इसे कंफर्म करती हूँ और मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया। जब मैं टेंपल जाऊंगी तो मुझे ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का उनको दिखाना है, तभी वो मुझे अंदर जाने देंगे। इस तरह अपॉइंटमेंट बुक करना बहुत ही ईजी है। आप एक बार अपॉइंटमेंट बुक करें और उसके बाद ही दर्शन के लिए जाएँ। तो अभी हम चलते हैं। तो अभी मैं मंदिर पहुंच चुकी हूं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि बिना अपॉइंटमेंट के जाने से दर्शन नहीं हो पाता। तो यहां बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें इस बारे में पता नहीं था और वो बिना अपॉइंटमेंट लिए आ गए थे, तो उन्हें बप्पा के दर्शन किए बिना ही वापस जाना पड़ा। इसलिए अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं बप्पा के दर्शन के लिए तो आप ज़रूर अपॉइंटमेंट बुक करें। और चलिए अब अंदर चलते हैं। और ये है चेकिंग काउंटर, यहाँ आपके सामान की चेकिंग होगी, उसके बाद ही आप अंदर जा पाएंगे।
मंदिर का प्रांगण बहुत ही बड़ा है और प्रसाद की दुकानें बाहर भी है, अंदर भी है, आप जहाँ चाहे वहाँ से ले सकते हैं। फुटवेयर रखने की व्यवस्था अंदर भी बहुत अच्छी की गई है, तो बाहर उतार के आने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने से ये एक फ़ायदा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक की है बस उतने ही लोग अंदर आ सकते हैं एक बार में, तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।